नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय डीके चौधरी में। तो बेटा, दो टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी बच्चों के सामने बड़े कंफ्यूजन वाले टॉपिक रहते हैं। जैसे आपके सामने टॉपिक लिखे भी हैं कि एक टॉपिक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, यानी कि इसको हम कहते हैं कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक दूसरा टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इसको कहते हैं हम लाभ का पद। अब इन दोनों टॉपिकों में काफ़ी बच्चे जो है परेशान भी होते हैं, और बहुत सी किताबें जो हैं इस टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से क्लियर कर भी नहीं पाती हैं। तो इस आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे कि भाई ये होता क्या है और इनमें डिफ्रेंसेस क्या होता है, और हमारी पॉलिटी में और हमारी राजव्यवस्था में इन टॉपिकों का क्या महत्व है। देखिए, आपके सामने ये टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे मैंने पहले टॉपिक दिया है, सबसे पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो हम इसी टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक मैं डिफरेंस आपको बता दूं कि जो हमारा पहला टॉपिक है, इसका जो संबंध है वो आर्टिकल 21 के साथ है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं तो हम दोनों की बात करते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया की। क्योंकि आपने देखा होगा 1978 में जब मेनका गांधी वाद आया था, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया को लेकर काफ़ी बड़ा वाद विवाद रहा, और इस वाद विवाद को मेनका गांधी वाद में ख़त्म किया गया था। तो आज आर्टिकल 21 विधि की स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अपनाता है। एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें एक लाइन में, तो ये प्रक्रिया पर फोकस करता है, कि इसका मतलब ये होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि वह प्रक्रिया जो विधि के द्वारा तय की जाती है, तो इसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे कोई विधि या कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून कैसा होना चाहिए, वो कानून आपका निष्पक्ष होना चाहिए यानी कि इम्पार्शियल होना चाहिए, वो आपका कानून क्या होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए यानी कि एक तरीके से न्याय संगत होना चाहिए, और वो कानून कैसा होना चाहिए, वो तर्क संगत होना चाहिए यानी कि युक्तियुक्त होना चाहिए। युक्तियुक्त यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से रैशनल कहते हैं, एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि वो युक्तियुक्त रीजनेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। और यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, वो इम्पार्शियल होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ बेटा आपको समझना ये है कि क्या मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कोई कानून निष्पक्ष है, कोई न्याय संगत है या वो युक्तियुक्त है, तो इसका मतलब हम कह देते हैं कि वो कानून वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाता है। यानी कि जो नेचुरल जस्टिस होता है, नेचुरल जिसको हम जस्टिस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझने का प्रयास करो, तो यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब तो यह है कि इसमें प्रक्रिया पर फोकस किया जाता है, कि भाई जो है प्रक्रिया विधि के अनुसार होनी चाहिए जब कोई कानून बनाया जाता है, और वो कानून तर्कसंगत हो, न्याय संगत हो, युक्तियुक्त हो, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को शो ऑफ करता है। लेकिन मुद्दा अब ये आता है कि चलो ये तो हम समझ में आ गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रक्रिया की बात करता है, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है वो जो है सम्यक यानी कि वो जो है वो निष्पक्ष फेयर और युक्तियुक्त की बात करता है। लेकिन ये मुद्दा उठा क्यों, क्या कारण रहा इसके पीछे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं ये अमेरिका से लिया हुआ है, लेकिन अमेरिका के संविधान में भी ये वर्णित नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कोर्ट के द्वारा, एक डिसीजन के द्वारा इसको लाया गया, और वहाँ पर कोई कानून अगर बनता है तो वो कानून जो है
वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाता है। हालांकि भारत भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाता है, लेकिन वो कैसे, आर्टिकल 21 को लेकर वाद विवाद क्यों रहा, तो उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन अब कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जब हम आर्टिकल 21 को लेकर हम मेनका गांधी वाद की बात करते हैं, मेनका गांधी वाद, तो ये जो मेनका गांधी केस था ये 1978 का केस था। अब हम एक तरफ तो ये देखते हैं कि मेनका गांधी वाद से पहले का आर्टिकल 21 क्या कहता था, और मेनका गांधी वाद के इसके बाद का आर्टिकल 21 क्या कहता है। आप खुद देखते हो, खुद जानते हो कि पहले क्या होता था कि जब हम आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, किसकी बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राण विदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मेनका गांधीवाद से पहले जब हमारा संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 21 क्या लिखा हुआ है, अगर आज भी आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को प्राण विधिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे हम संपत्ति के अधिकार को पढ़ते हैं तो संपत्ति के अधिकार में जब हम आर्टिकल 300A पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से विधि बना के ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आर्टिकल 21 पे जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही लागू होती थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही लागू होती थी, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और कानून बना के वो आर्टिकल 21 से किसी व्यक्ति को वंचित कर सकती है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले जो आर्टिकल 21 था वो सिर्फ किसके विरुद्ध था, वो सिर्फ कार्यपालिका के यानी कि एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध था, कार्यपालिका के क्या था, विरुद्ध था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किसके अगेंस्ट था, ये बस ओनली ये एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट था, राइट, ये विधायिका के खिलाफ नहीं था क्योंकि विधायिका तो कानून बना सकती है। अब तीसरी बात ये आती है कि यहां पर आर्टिकल 21 अगर हम देखें तो पहले ये भी था कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को अलग अलग माना गया था, अलग अलग यानी कि माना गया, क्योंकि आपको मैं एक केस बता देता हूं, क्योंकि हुआ क्या था कि यहां पर एक केस आया था, आपने देखा होगा कि ध्यान से सुना होगा कि ए के गोपालन केस ये 1951 का केस था, और एक दूसरा केस था एडीएम जबलपुर केस। तो इन दोनों केसों में एक्चुअली में क्यों इनको चुनौती दी गई थी, थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि जब हम ए के गोपालन केस और एडीएम जबलपुर केस की बात करते हैं तो इनको आर्टिकल 21 के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ए के गोपालन जो थे वो सीपीआई के व्यक्ति थे, ठीक है, और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। तो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा थोड़ी सी आवाज आ रही थी। तो मैं कहां पर था, मैं बता रहा था कि जब 1951 में ए के गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो ए के गोपालन एक्चुअली में कहीं जा रहे थे और पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया और कहा गया कि भी आप आगे नहीं जा सकते। तो एक तरीके से अब पुलिस ने, जो सरकार ने अपना पक्ष रखा वो ये रखा कि भाई हमारे पास, हम जो है किसी व्यक्ति को रोकना चाहें तो हम रोक सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये कानून का अधिकार है। ए के गोपालन ने कहा कि भाई
उसका अपना एक आधार होता है रोकने का। अब वो आधार तो आपने बताया नहीं, आप कैसे रोक सकते हो भाई? मेरा आर्टिकल 19 मुझे ये अधिकार देता है कि मैं इंडिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। कुल मिलाकर सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने लिया और एक संकीर्ण व्याख्या आर्टिकल 21 की और कहा कि हमारा आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई किसी को आर्टिकल 21 के अधिकार से वंचित किया जा सकता है यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया गया है, यानी कि जो कानून की प्रक्रिया है अगर वो सही है तो, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है विधि की प्रक्रिया की बात करता है, यानी कि वो प्रक्रिया सही होनी चाहिए कानून जो भी बना है, क्योंकि प्रक्रिया को कानून के द्वारा तय किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक ही गोपालन केस में जो आर्टिकल 21 की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नैरो जो है एक अप्रोच दिया गया। एडीएम जबलपुर केस में भी कहीं ना कहीं ये 1976 का केस था। ये जो आपका एडीएम जबलपुर केस है, ये केस आपका कब का था? ये 1976 का केस था। और आपने देखा होगा कि एडीएम जबलपुर केस में भी क्या हुआ, ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश का केस था। एडीएम जबलपुर केस में हुआ ये था, एडीएम साहब थे, आपने देखा होगा कि जब हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जाती है, निवारक निरोध की बात की जाती है। अब निवारक निरोध के लिए तो सेंटर और स्टेट दोनों कानूनें बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रासू का कानून है, यूएपीए कानून है, या फिर यूपी को का कानून है, मको का कानून है, जम्मू कश्मीर का पीएससी कानून है। इससे पहले टाडा और टाडा मीसा वगैरह एक कानून थे, हालांकि वो अब फिलहाल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी व्यक्ति को जो एडीएम साहब ने जो है निवारक निरोध के रूप में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब निवारक निरोध का मतलब, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब आर्टिकल 22 ये कहता है कि भाई संधि के आधार पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है, या तो सरकार के आदेश हो या फिर वो एडीएम या डीएम वगैरह हो, उनके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था तो उसने जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो एडीएम साहब ने गिरफ्तारी की है वो गलत है, ये उनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और ये केस आया एडीएम जबलपुर केस के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एडीएम साहब बिल्कुल सही हैं और उन्होंने गिरफ्तारी एक निवारक निरोध के रूप में सही की है। तो अब मुद्दा यहां पर आता है कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी एक संकीर्ण दृष्टिकोण को दिया, एक नैरो एक अप्रोच को दिया कि भाई आप आर्टिकल 22 के आधार पर आर्टिकल 21 का, यानी कि कहने का मतलब है आर्टिकल 22 अलग है और 21 अलग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन दोनों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। खैर, तो आप जानते हो कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है और बिल्कुल आप सही हैं, आपने इससे पहले कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, तो आप हैबियस कॉर्पस के रूप में निवारक निरोध को भी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो एडीएम जबलपुर के इसमें हैबियस कॉर्पस की रिट लाई गई थी और उसी को लेकर ये केस आगे बढ़ा था। तो हमने ये देखा कि यहाँ दोनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो प्रक्रिया अगर सही है तो इसका मतलब सरकार का सही कदम है, और इस तरीके से संसद जो है विधि बना के आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर सकती है, ठीक है। अब जब मेनका गांधीवाद आया तो मेनका गांधीवाद ने एक जो है कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच दिया, यानी कि कहने का मतलब है एक व्यापक अवधारणा रखी 21 की। तो यानी कि कहने का मतलब था कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक संकीर्ण दृष्टिकोण था। कैसा दृष्टिकोण था? संकीर्ण दृष्टिकोण था, यानी कि एक नैरो अप्रोच था, और यहां पर एक तरीके से कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच आ गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक दृष्टिकोण दिया, ठीक है। लेकिन अब क्यों दिया कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच, हम कैसे कहेंगे? देखिए, मेनका गांधी जो थी वो विदेश जा रही थी। अब विदेश मंत्रालय ने उन्हें एक नोटिस भेजा और उन्हें जाने से रोक दिया। अब मेनका गांधीवाद ने ये भी पूछा सरकार से कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, उसका मुझे स्पष्ट एक आधार चाहिए। सरकार इस आधार को नहीं दे पाई, विदेश मंत्रालय नहीं दे पाया, तो कोर्ट में चुनौती दी गई। और जब कोर्ट में जब ये मेनका गांधीवाद आया 1978 में, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे विदेश जाने से क्यों रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी और कहा कि ये वाकई बिल्कुल सही है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 21 की एक विस्तृत, एक व्यापक व्याख्या की और एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। अब दृष्टिकोण क्या दिया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होता है, जिसको हम प्रोसीजर प्रोसीजर जो एस्टा ब्लिस्ट बाय लॉ है, ये जो है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये इस बात को तय करता है कि प्रक्रिया सही है या नहीं है। तो इसके साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखा जाना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब मैंने अभी विधि की सम्यक प्रक्रिया भी बताया कि भाई कोई कानून है, उसकी प्रक्रिया तो सही होनी चाहिए, साथ में उस कानून का औचित्य सही है या गलत है ये भी देखा जाना चाहिए। इसका मतलब वो कानून क्या होना चाहिए, वो कानून क्या क्या होना चाहिए, तर्कसंगत, यानी कि कहने का मतलब है वो कानून रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, वो कानून जो है एक तरीके से न्याय संगत होना चाहिए, और वो कानून क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि वो फेयर होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए और वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आर्टिकल 21 की जो अवधारणा थी, यानी कि जो दृष्टिकोण था, उसका अप्रोच, उसका दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के मामले में जब कोई कानून बनाया जाता है तो वहां सिर्फ प्रक्रिया की ही बात नहीं होनी चाहिए, प्रक्रिया इस तरीके से, यानी कि ये भी देखा जाना चाहिए कि जो प्रक्रिया है या जो कानून बनाया गया है वो तर्कसंगत है या नहीं है, वो फेयर यानी कि न्याय संगत है या नहीं है, या वो फिर निष्पक्ष है या नहीं है, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर अवधारणा चेंज कर दी गई और ये कहा गया कि प्रक्रिया के साथ साथ ये चीजें भी देखा जाना जरूरी है, यानी कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश ऑफ लॉ में ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो जो था प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी जोड़ दिया गया। इसका मतलब अब आर्टिकल 21 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करेगा। अब दूसरी बात यहां पर देखें तो ये सिर्फ पहले कार्यपालिका के विरुद्ध था, अब ये क्या हो गया, ये एग्जीक्यूटिव और अब लेजिस्लेचर दोनों के क्या हो गया, ये अगेंस्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब कार्यपालिका और विधायिका दोनों को ही कोर्ट में चुनौती आर्टिकल 21 के आधार पर दी जा सकती है। साथ में यहां पर ये भी कह दिया गया कि जो आर्टिकल हमारा 14 होता है, आर्टिकल हमारा जो 21 होता है, या आर्टिकल जो हमारा 19 होता है, इनको तीनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। साथ में यहां पर ये भी कहा आर्टिकल 21 में, ये भी बोल दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि आर्टिकल 22 के आधार पर 21 का उल्लंघन नहीं हो सकता, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर निवारक निरोध के रूप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो रही है और वहां पर आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, तो इसका मतलब उस आर्टिकल 22 को वहां पर एक तरीके से इसको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात अब यहां पर आती है कि जब हम प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि पहले जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था वो सिर्फ शरीर तक सीमित था, यानी कि कहने का मतलब है कि भौतिक बात तक सीमित था। लेकिन अब इस केस में कि जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा उसका संबंध सिर्फ शरीर के साथ नहीं होगा, शरीर के साथ साथ उसका संबंध व्यक्ति की जो मानवीय गरिमा है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसके साथ भी होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राण वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है, व्यक्ति की जो मानवीय गरिमा होती है, उसका जो सम्मान होता है, उसको भी इसमें साथ में जोड़ा जाना चाहिए। और यही कारण था कि अब 21 का विस्तार कर दिया गया। यहां पर अब इसका मतलब क्या हुआ कि मानवीय गरिमा की बात अगर हम करें तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को शिक्षा का भी अधिकार मिले, व्यक्ति को एक तरीके से आजीविका का लिवलीहुड का राइट मिले, व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिले, ठीक है। ये तमाम तरह के जो अधिकार आर्टिकल 21 में आए वो इसी कारण आए। तो कहने का मतलब है एक व्यापक दृष्टिकोण दिया गया,
एके गोपालन केस और एडीएम जबलपुर के केस की जो व्याख्या थी वो बदली गई और देन मेनका गांधीवाद एक तरीके से आर्टिकल 21 की एक व्यापक अवधारणा रखता है, एक व्यापक दृष्टिकोण देता है, ठीक है। और आज आप देखते हो कि आर्टिकल 21 में जो है कई तरह के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा एक समझाने का यहाँ पर जो मतलब था आप लोगों को वो यही था कि आप इसको समझिए कि जब हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जो कानून के द्वारा तय की गई हो, और जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि कोई भी कानून या कोई भी विधि है वो निष्पक्ष, वो तर्कसंगत यानी कि युक्तियुक्त होना चाहिए, और इसके अलावा वो फेयर होना चाहिए यानी कि न्याय संगत होना चाहिए। लेकिन ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, हालांकि इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है कि युक्तियुक्त की कोई परिभाषा होती है। ये कोर्ट में जब इसको चुनौती दी जाती है तो कोर्ट ही तय करता है कि भाई ये चीज जो है वो रीजनेबल है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये परिस्थितियां अनुसार होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्राकृतिक न्याय का ये पालन करेगा या नहीं करेगा, या ये चीज युक्तियुक्त है या नहीं है, इसको कोर्ट ही तय करता है। ओके, तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए, हमने ये बात तो आप लोगों को समझा दी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अब कई बार बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के सामने होता है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद होता क्या है। देखिए, जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, जैसे हमने लिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं तो बात यह आती है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, फिर ये विवादों में क्यों रहता है, बात ये भी आती है, बात यहां पर भी आती है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू, संवैधानिक पहलू क्या है, यानी कि इसके संवैधानिक पहलू क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट क्या है, बात आती है कि इसके जुडिशियल एस्पेक्ट क्या है, जुडिशियल एस्पेक्ट क्या है, इसके न्यायिक पहलू क्या है, ठीक है। और फिर बात आती है कि इसकी आलोचना, और फिर मुद्दा आता है इसका निष्कर्ष का, कि क्या इसका निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, एक पॉइंट तो ये बन गया। ये इसका जो कॉन्फ्लिक्शन है या जो विवाद है वो क्या है। देखिए, यहां पर अब थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर मेंस में जो है क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, पहली बात तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऐसे पद पर हो जो कि एक कार्यकारी पद है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो अपने आप में एक सरकारी पद है, और सरकार किसी ना किसी तरीके से अगर उस पर नियंत्रण रखती है तो इसका मतलब वो लाभ के पद में आएगा, समझे। तो जैसे मोटा मोटा हम कह देते हैं कि भाई केंद्र सरकार की कोई सरकारी जॉब है, सरकारी पद है, या राज्य सरकार का कोई सरकारी पद है, तो वो लाभ के पद में माने जाते हैं। लेकिन हमें समझना ये है कि भाई लाभ के पद की बात हमारा संविधान करता क्यों है, क्या जरूरी है, इसके पीछे आधार क्या है। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जब हम लाभ के पद की बात करते हैं तो लाभ के पद का जो बेस बनता है वो बेस बनता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बेस क्यों बनता है, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि हम शक्तियों के प्रतिकरण की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि शक्तियों का प्रतिकरण में अगर मैं एक तरफ तो कार्यपालिका की बात करूं एग्जीक्यूटिव की, और एक तरफ मैं बात करता हूं विधायिका की यानी कि लेजिस्लेचर की। अब हमारा संविधान तो ये कहता है कि भाई कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का अपना अलग वर्क है, विधायिका का अपना अलग वर्क है, और न्यायपालिका का अपना अलग वर्क है, इनके अपने अपने ज्यूरिडिक्शन होते हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। अब बात यहां पर आती है कि जैसे मान लीजिए कि विधायिका में अगर हमने कहा कि भाई लोकसभा का कोई सदस्य है, या फिर राज्यसभा का कोई सदस्य है, या विधानसभा का कोई सदस्य है, या विधान परिषद का सदस्य है,
तो इसका मतलब ये जो सदस्य होना चाहिए इसका संबंध कार्यपालिका के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव आपका अलग है। तो इसका मतलब ये जो सदस्य है वो अपने आप में एक तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई एमएलए है और एमएलए किसी सरकारी पद पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमएलए तो अपने आप में विधायिका का पद हो गया और सरकारी पद अपने आप में कार्यपालिका का हो गया। इसका मतलब जो सरकारी पद होते हैं वो कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करते हैं, तो क्या एमएलए इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको देखें तो वैसे तो देखा जाए तो मुझे जो मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है इसके लाभ के पद का, क्योंकि लाभ के पद की कोई परिभाषा हमारे संविधान में क्लियर नहीं है और ना किसी कानून में क्लियर है, तो लाभ के पद को लेकर पहली बात तो संशोधन किया जाना चाहिए, संविधान संशोधन हो, और लाभ के पद को संविधान संशोधन मतलब इसकी एक स्पष्ट परिभाषा रखी जानी चाहिए, और स्पष्ट परिभाषा देने के बाद हमारे संविधान में संशोधन करने के बाद फिर क्या होना चाहिए, इसको मूल ढांचा घोषित कर देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो लाभ के पद को लेकर जो दुरुपयोग होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्शन होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्शन ना आए। अब यहां सिंपल आप सोचिए कि बेस बिल्कुल अगर देखें तो लाभ के पद का कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि अगर आप एमएलए कोई सरकारी पद पर है तो क्या एमएलए इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएगा? कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार के अधीन सरकारी पद होते हैं और सरकारी पद के माध्यम से कहीं ना कहीं एमएलए कार्यपालिका के क्या है एक तरीके से नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा, तो वो कतई भी या बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये लाभ के पद का कंसेप्ट लाया गया है, ठीक है, कि भाई कार्यपालिका जो है वो अलग होती है, तो यानी कि कार्यपालिका का कोई भी अगर कार्यकारी पद है तो अगर वो विधायिका का सदस्य बनना चाहता है तो उसे पहले अपना कोई कार्यकारी पद जो भी सरकारी पद है वो छोड़ना होगा, ठीक है, तब जाके वो विधायिका का सदस्य बन सकता है। अब बात आती है कि चलो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि ये क्या है, अब विवादों में क्यों रहता है, क्योंकि लाभ के पद को लेकर आपने बहुत से मामले सुने होंगे। भाई 2006 में मेनका गांधी का आपने केस सुना होगा कि मेनका गांधी जो थी वो राज्यसभा की सांसद थी और साथ में मेनका गांधी जो थी वो जो यूपी फिल्म बोर्ड की अध्यक्ष भी थी, वो तो एक कार्यकारी पद हो गया। आपने सोनिया गांधी का मैटर देखा होगा कि रायबरेली से वो सांसद थी, 2006 की बात थी, और सांसद होने के साथ साथ वो नेशनल जो एडवाइजरी जो काउंसिल था, राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद था, उसकी भी चेयरपर्सन थी, वो एक कार्यकारी पद है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिब्बू सोरेन का मामला आता है, उसी के आसपास की बात थी कि सिब्बू सोरेन जो थे वो एक तरीके से वो जो अगर हम बात करें तो झारखंड जो एक स्वायत्त परिषद थी उसके भी अध्यक्ष थे। हमने और भी मामले देखे, 2019 में अगर आप देखोगे तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ एमएलए को अपना परामर्शदाता नियुक्त कर लिया था, ठीक है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब हम 2016 या 15 की बात करते हैं तो 21 एमएलए को एक संसदीय सचिव का पद उनको दे दिया गया था, जो बाद में जाके मामला कोर्ट में भी उठा। तो आए दिन आपने देखे होंगे कि भाई संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद का मामला उठता रहा, परामर्शदात्री यानी कि सीएम के परामर्शदात्री के रूप में लाभ के पद का मामला उठता हो। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई विधायिका का सदस्य है और वो कहीं ना कहीं किसी कार्यकारी पद पर है जो कि एक एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन है, तो इसका मतलब लाभ के पद का मुद्दा तो उठेगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या है, अलग अलग है, और कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति कार्यपालिका के किसी पद पर है, ठीक है, क्योंकि प्रशासन भी तो अपने आप में कार्यपालिका का ही तो अंग माना जाता है, तो इसका मतलब विधायिका का सदस्य फिर इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएगा। तो विवाद तो आपने देखे कि विवाद कितने रहे, ठीक है, लेकिन बात आती है कि इसका संवैधानिक पहलू क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है। आपने देखा होगा कि जब हम संविधान में आर्टिकल 102 की क्लॉज 1 ए की बात करते हैं तो वहां लाभ के पद को अयोग्यता का मामला माना गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 191 का क्लॉज 1 ए ये भी अपने आप में, क्योंकि ये किसके लिए है, ये लोकसभा
और राज्यसभा के लिए है कि भाई लाभ का पद अपने आप में एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर होगा, इसमें लिखा हुआ है। और आर्टिकल 191(1)(a) में ये विधानसभा और विधान परिषद के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसके संवैधानिक पहलुओं को पढ़ते हैं तो संवैधानिक पहलू ये कहते हैं कि लाभ का पद अपने आप में एक डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, जिसमें हेड ऑफ हाउस उसको जो है, यानी कि कहने का मतलब है कि वहां पर अगर वो एमपी ऑफ लोकसभा एमपी ऑफ राज्यसभा है तो वहां पर राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की सलाह पर हटाएगा, ऐसा आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है। और अगर वो एमएलए और एमएलसी है और लाभ के पद पर है तो इसका मतलब ये होगा कि उसको राज्यपाल हटाएगा लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की सलाह के आधार पर, और सलाह ये बाध्यकारी होगी, ऐसा आर्टिकल 192 में लिखा हुआ है। चलिए खैर, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई, लेकिन लाभ के पद की कोई परिभाषा ना तो हमारे संविधान में दी गई है और हम आरपीए कानून 1951 की बात करते हैं तो वहां पर भी नहीं दी गई है। तो फिर लाभ का पद, क्योंकि उसकी परिभाषा अस्पष्ट है, इसी वजह से लाभ के पद को लेकर जो है ये विवादों के मामले उठते रहे हैं। लेकिन क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया? हाँ, तो एक प्रयास तो किया है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कानून बनाया जिसको हम कहते हैं कि द पार्लियामेंट, एक कानून बनाया गया द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। जब हम इस कानून को पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं संसद निहिरता निवारण अधिनियम 1959। अब इस कानून में क्या है? इस कानून में वो पद हैं, यानी कि इस कानून में जो सरकारी पद दिए हुए हैं या उनका विवरण है वो लाभ के पद से बाहर है। इसका मतलब सेंटर हो या स्टेट हो, उसके लिए लाभ के पद को लेकर ये कानून बना हुआ है। और सरकार को अगर ये लगता है कि ये लाभ के पद में ये सरकारी पद नहीं आना चाहिए तो इस कानून में संशोधन किया जाता है और उसको इसमें डाल दिया जाता है। आपको ध्यान होगा कि 2006 की बात थी, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पद को लेकर ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था, जब सोनिया गांधी जो है सांसद थी रायबरेली से। तो ये जो बिल है, जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया था तो राष्ट्रपति ने इस पर सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज कर दिया था, और एक तरीके से अब्दुल कलाम उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे और उन्होंने इसे वापस कर दिया। और यहां तक भी जब आर्टिकल 86 का प्रयोग किया था, जिसमें राष्ट्रपति एक अभिभाषण दे सकता है या सदनों को कुछ कह सकता है, तो वहां पर ये मैसेज भेजा था राष्ट्रपति ने कि भाई आप लोग विधायिका के सदस्य कितने, मतलब एक तरीके से ग्रीडी, आप कितने लालची हो गए हो। लाभ का पद अपने आप में एक महत्वपूर्ण, यानी कि ये जो लाभ का पद है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से ये पॉइंट है और इस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर इसी तरीके से हम सरकारी पदों को इस कानून के अंतर्गत संशोधन करके जोड़ते जाएंगे तो इसका मतलब फिर क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक ढांचा है वो प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं संसद के सभी सदस्यों से चाहूंगा कि आप इतने लालची मत बनिए। ठीक है, लाभ के पद का जो एक सही मायना है उसको आप फॉलो करना शुरू करिए, ऐसा मतलब अब्दुल कलाम ने कहा था। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सरकारी पद जो है लाभ के पद में नहीं आते, वो इस कानून में दिया है, इसको हम संसद निहिरता निवारण अधिनियम 1959 कहते हैं। चलिए खैर, लेकिन अब मुद्दा आता है कि सर ये जुडिशियल एस्पेक्ट क्या है? अभी तक हम ये क्लियर नहीं कर पाए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, इसकी क्या परिभाषा है। तो यहां पर अगर मैं जुडिशियल एस्पेक्ट की बात करूं तो मैं दो केस बताता हूं। एक केस है, अगर हम मैं बात करूं, शिवमूर्ति स्वामी केस है, शिवमूर्ति स्वामी वर्सेस एक सगमा अदन केस है, सगमा अदन केस, और एक केस का नाम है बारदलोई, बारदलोई वर्सेस स्वपन रायवाद। अगर हम लाभ के पद की बात करते हैं तो ये दो केस बड़ी सुर्खियों में आते हैं। अब ये सुर्खियों में कैसे आए? देखिए, हमारा संविधान बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं करता कि लाभ के पद, लाभ का पद क्या है। ना हमारा
जो हम जिसको रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट कहते हैं, जनप्रतिनिधि कानून 1951 ना उसमें इसकी कोई परिभाषा क्लियर है। हालांकि लाभ का पद हमारे संविधान के आर्टिकल 102 के अनुसार और 191 के अनुसार अयोग्यता का मैटर माना गया है, और वहीं पर जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है जिसको हम जनप्रतिनिधि कानून 1951 कहते हैं, वहां पर भी लाभ का पद एक अयोग्यता का मामला माना गया है, डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर माना गया है। लेकिन ये कानून जो है और हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल भी लाभ के पद की परिभाषा को क्लियर नहीं करता है। इसका मतलब लाभ का पद लिखा तो है लेकिन लाभ के पद की क्या परिभाषा होगी इसका संविधान और आरपीए कानून 1951 ये इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब ये जरूरी हो जाता है कि लाभ का पद है क्या, और आपने देखा होगा कि यही कारण है कि लाभ के पद को लेकर एक संविधान संशोधन होना बहुत जरूरी है ताकि जो है इसको क्लियर किया जा सके और हमारे संविधान के आर्टिकल 102 में और 191 में जो है इसको संविधान संशोधन करते हुए इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए, और आज इस चीज की नीड है भी, जरूरत भी है। अब यहां पर मैंने ये दो केस जो आपको बताए कि शिवमूर्ति स्वामी वर्सेस सगमादन केस, बारदुलई वर्सेस स्वपन राय केस, तो ये केस इस बात को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां प्रयास किया है कि लाभ का पद है क्या, यानी कि उसने अपने दो चार इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ पॉइंट रखे हैं कि लाभ का पद क्या माना जाएगा। तो इन दोनों केसों के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केसों में अपना डिसीजन ये दिया है कि अगर कोई सरकारी पद है, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पद है तो उस पद की जो नियुक्ति कौन कर रहा है, यानी कि उस पद का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, क्या उस पर सरकार का नियंत्रण है, उस पद का जो रिमूवल है वो कौन कर रहा है, उस पद का जो रिमूवल है यानी कि हटाना, क्या उस पर सरकार का नियंत्रण है, इसके अलावा उसकी जो सैलरी है या उसके जो अलाउंसेस हैं, भत्ते वगैरह हैं, क्या उस पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार के द्वारा उसका कोई वेतन दिया जा रहा है, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो उसके फंक्शंस हैं, क्या उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो कार्य हैं, क्या सरकार के द्वारा तय किए जा रहे हैं या सरकार का उस पर कोई नियंत्रण है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों में ये क्लियर किया कि जो है लाभ के पद का मतलब ये माना जाएगा कि अगर कोई ऐसा पद जिस पर सरकार के द्वारा उस पद की नियुक्ति की जा रही है, सरकार के द्वारा उसको हटाया जा रहा है, सरकार के द्वारा ही उसको वेतन या उसके भत्ते तय किए जा रहे हैं, या सरकार के द्वारा ही उसके कार्य तय किए जाते हैं, या सरकार के द्वारा ही उससे कार्य करवाया जाता है, तो इसका मतलब वो अपने आप में एक सरकारी पद, एक एग्जीक्यूटिव पद होगा और देन वो लाभ के दायरे में आएगा। मोटा मोटा डेफिनेशन यही दी गई। अब लाभ के पद को लेकर बेटा क्वेश्चन तो जो है आते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लाभ के पद की परिभाषा संविधान में या किसी कानून में अगर क्लियर नहीं की जाएगी तब तक ये मामले उठते रहेंगे। अभी हाल में आपने 2019 में देखा होगा कि जब बीजेपी की सेकंड इनिंग्स होती है तो वहां पर जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक संयुक्त कमेटी बनाई गई लाभ के पद को लेकर कि वो हमें सजेशन दे कि लाभ के पद पर क्या होना चाहिए। तो एक संभावना लगी कि भाई लाभ के पद को लेकर जो है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में बदलाव होगा और लाभ के पद की परिभाषा को स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई संविधान संशोधन नहीं हो पाया है और इसकी जरूरत तो है। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि चलो इसकी आलोचना की बात करते हैं कि इसकी आलोचना है क्या। जब हम इसकी आलोचना की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जब मैंने पंजाब के सीएम का मुद्दा बताया तो पंजाब के सीएम ने एक्चुअली में अपनी परामर्श के लिए 4 से 5 जो है परामर्शदात्री एमएलए को बना दिया गया, परामर्शदाता, तो लगभग 5 से 6 एमएलए परामर्शदाता बना दिए गए सीएम के लिए। अमरिंदर सिंह वहां के उस टाइम मुख्यमंत्री थे और साथ में इनको क्या एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया, और जब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया तो ये कहीं ना कहीं
पहला पॉइंट, ये 91 जो अमेंडमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था आप जानते हो कि 2003 में हुआ, तो इस अमेंडमेंट का कहीं ना कहीं उल्लंघन तो हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये अमेंडमेंट ये तय करता है कि जो मंत्रिपरिषद के आकार को तय करता है, यानी कि जो साइज ऑफ जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके आकार को तय करता है भाई। उसमें आपने देखा होगा कि जो लोअर हाउस होता है उसका 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके से अगर कुछ एमएलए को सीएम का परामर्शदाता घोषित करोगे और उनको एक तरीके से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कराओगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है 91 अमेंडमेंट का उल्लंघन तो माना जाएगा, क्योंकि अगर 15% से ज्यादा सीट होती है तो एक मुद्दा तो ये होता है कि लाभ का पद जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से क्या काम कर सकता है, ये 91 अमेंडमेंट का उल्लंघन कर सकता है, तो क्योंकि इस मामले में देखा हम। और दूसरा मामला देखें तो आपने देखा होगा कि अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है बेटा, शक्तियों के प्रतिकरण का क्या करता है, ये उल्लंघन करता है, शक्तियों के प्रतिकरण का उल्लंघन करता है। अब शक्तियों के प्रतिकरण का उल्लंघन कैसे करता है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कार्यपालिका और जो विधायिका है एक तरीके से, मतलब अगर विधायिका के पद को आप स्वतंत्र रखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति कार्यकारी पद पर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड तो होगा। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट, ये कहीं ना कहीं जब आप किसी कार्यकारी के पद पर, लाभ के पद पर रहोगे तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देगा, भ्रष्टाचार को, करप्शन को क्या देगा, बढ़ावा देगा। समझे कि नहीं समझे, इससे कहीं ना कहीं जो विधायिका के जो सदस्य हैं, उनकी जो स्वतंत्रता होगी वो कहीं ना कहीं सीमित होगी, तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर, तो अब बात आती है निष्कर्ष की, तो क्या होना चाहिए। अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान शक्तियों के प्रतिकरण को अपनाता है, सेपरेशन ऑफ पावर को, जो कि संविधान का एक मूल ढांचा माना गया है, और लाभ के पद के रूप में शक्तियों के प्रतिकरण का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि शक्तियों के प्रतिकरण के द्वारा हमारे संविधान कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से करता है और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो विधायिका का कार्यपालिका पर सही नियंत्रण हो सके इसलिए लाभ के पद के लिए एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, ताकि लाभ के पद का उल्लंघन ना हो सके। इस तरीके से अब निष्कर्ष की जब हमने बात की तो आप घुमा फिरा के कुछ और भी निष्कर्ष लिख सकते हो। तो मेरा यहाँ लाभ के पद को लेकर बताने का मतलब ये था कि हमने डिस्कशन किया कि लाभ का पद है क्या, क्या हमारा संविधान इसकी परिभाषा को स्पष्ट करता है या नहीं करता। दूसरी बात, हमने लाभ के पद को लेकर विवादित मुद्दे क्या क्या रहे वो हमने देखा, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, संवैधानिक पहलू हमने देखे, फिर हमने ये देखा कि इसके लिए कोई कानून है या नहीं है, फिर हमने ये देखा कि भाई इसके जो जुडिशियल एस्पेक्ट क्या रहे जिसमें लाभ के पद को लेकर एक परिभाषा दी गई, फिर हमने ये देखा कि इसकी आलोचनाएँ क्या हैं, और फिर हमने ये देखा कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको लाभ के पद को लेकर क्लियर, आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, आपको मैं ये भी बता दूं कि लाभ के पद को लेकर जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा भी है, जैसे आप आर्टिकल 59 को पढ़ोगे तो हमारा संविधान ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वहां पर, भाई ये तो सब जगह आप जितने भी पॉलिटिकल पद देखोगे तो हर जगह लिखा जाता है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वहां राष्ट्रपति के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है या उपराष्ट्रपति के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, सेंटर और स्टेट के मंत्रियों के पद, ये लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ जो ये डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट था 1959 का, उसमें भी पद दिए हुए हैं,
जो उसमें पद लिखे हुए हैं तो वो लाभ के पद में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये अपने आप में वाकई ही बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु है लाभ के पद को लेकर, और यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत सी चीजें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो मैंने प्रयास एक किया है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास बेटा, तो आज की क्लास में मैंने एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मैंने आर्टिकल 21 के रूप में समझाने का प्रयास किया, और साथ में लाभ के पद को समझाने का प्रयास किया। अब इसको लेकर अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ऑफ होती है। नमस्कार, जय हिंद।